बेसिकली आर्थोस्कोपी है क्या, आर्थोस्कोपी की इंडिकेशन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरजोबन सिंह, आई एम ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड आर्थोस्कोपी स्पेशलिस्ट एट पारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे आर्थोस्कोपी सर्जरी ऑफ द जॉइंट, जिसे हम की होल सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी बोलते हैं। नी और शोल्डर आर्थोस्कोपी ज़्यादा कॉमनली की जाती है, लेकिन आर्थोस्कोपी बाकी जॉइंट्स में भी होती है। बेसिकली आर्थोस्कोपी है क्या, अगर हम नी जॉइंट का एग्जाम्पल लें तो आर्थोस्कोपी से हम क्या करते हैं, रैदर देन ओपनिंग द जॉइंट सर्जरी करने के टाइम पे, हम सिर्फ दो छोटे छोटे कट्स से जॉइंट के अंदर की जो सर्जरी है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो बाहर से सिर्फ दो टांके लगते हैं और अंदर हम जॉइंट का कोई भी काम आर्थोस्कोपी के जरिए कर सकते हैं। तो इस आर्थोस्कोपी की इंडिकेशन क्या है, आज की डेट में आर्थोस्कोपी काफ़ी पॉपुलर है, मेजर सिटीज में काफ़ी कॉमनली होती है, तो इसकी इंडिकेशन क्या क्या है। मोस्टली लिगामेंट इंजरीज नी में जो होती हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, या फिर जो नी के अंदर के कार्टिलेज का डैमेज या मेनिस्कस जो टीयर्स होते हैं, इनमें जब भी कोई चोट लगती है नी के अंदर तो इसको हम आर्थोस्कोपी से ठीक कर सकते हैं। इसमें क्योंकि हम जॉइंट को ओपन नहीं करते हैं, इट्स ए मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, तो ये रिकवरी इज फास्टर, ब्लड लॉस इज लेस, पेशेंट गोज होम अर्ली और पेन भी कम होता है। कॉमनली जो आर्थोस्कोपी सर्जरीज की जाती हैं नी में या शोल्डर में की जाती हैं, नी में इसकी इंडिकेशन होती है लिगामेंट इंजरीज, जैसे नी के एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स, मेनिस्कस इंजरीज या फिर कार्टिलेज की इंजरीज। इनके अलावा शोल्डर में इसकी कॉमन इंडिकेशंस होती हैं शोल्डर इंस्टेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कॉमन भाषा में कि बार बार कंधा उतर रहा है, तो रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर, उसको हम आर्थोस्कोपी के जरिए वापस स्टेबल बना सकते हैं। दूसरी कॉमन इंडिकेशन होती है फ्रोजन शोल्डर में, भी हम आर्थोस्कोपी से ठीक कर सकते हैं, जैसे मैंने एक फ्रोजन शोल्डर का अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तीसरा कॉमन इंडिकेशन होता है जब हम शोल्डर में मसल टीयर्स को आर्थोस्कोपी के जरिए रिपेयर करते हैं, तो मसल टीयर्स यूजली शोल्डर में या तो चोट के कारण होते हैं या ओल्ड एज पे पाए जाते हैं, तो पुराने टाइम में पहले के टाइम पे इस ऑपरेशन को शोल्डर को ओपन करके किया जाता था, जिसमें कि ज़्यादा लंबा कट लगता था, पेशेंट को पेन ज़्यादा होता था, ब्लड लॉस ज़्यादा होता था और रिकवरी में टाइम भी ज़्यादा लगता था। इन सब को प्रिवेंट करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हम वही सेम सर्जरी जो है आर्थोस्कोपी के माध्यम से करते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे कट्स लगते हैं शोल्डर के अराउंड और वो सारी रिपेयर उन छोटे कट्स के जरिए हम पूरी तरह से कंप्लीट कर पाते हैं। आई होप ये वीडियो जो आर्थोस्कोपी के बारे में आज हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये आपको लिए यूज़फुल होगी, और अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।